सबसे पहले आप पोस्ट की डिटेल्स देख लीजिए और उसके बाद फिर बात करते हैं कहाँ पे भर्ती आए, कैसे आपको अप्लाई करना है। जी हाँ, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर से आपका हमारे नए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट आई है टीम लीडर आईटी सेल, तो आईटी सेल की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में साइबर अटैक उत्तराखंड में हुआ, जिसकी वजह से सारे सिस्टम धरे के धरे रह गए। शायद इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट को अब आईटी सेल की ज़रूरत पड़ रही है। तो एक पोस्ट यहाँ पर है, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की एक ज़रूरत है, आईटी मैनेजर की एक पोस्ट है, मैनेजर की एक, और यहाँ पर प्रोग्राम असिस्टेंट के 3 पद हैं, उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट के 1 पद, रूरल डेवलपमेंट असिस्टेंट के 1 पद, जूनियर प्रोग्रामर 1 पद, अकाउंट मैनेजर 1 पद और डेटा एंट्री ऑपरेटर 3 पद। यहाँ पर अगर कुल पदों की बात करें तो 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 यानी कि कुल मिला के 14 पदों के लिए ये वैकेंसी उत्तराखंड में निकली हुई है। आपकी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में ये भर्तियां निकली हुई हैं, जहां पर ये फॉर्म और टर्म्स एंड कंडीशंस से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है, आप उत्तराखंड टूरिज्म .gov.in पे अप्लाई कर सकते हैं। 29/10/2024 जो है लास्ट डेट, नहीं स्टार्टिंग डेट है, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आपकी आप देख सकते हैं 20/11/2024 से तक आप भेज सकते हैं बाय पोस्ट। अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आ जाएगी हम टेलीग्राम पे सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।